आज गणतंत्र दिवस है, सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। ये दिवस जो है बहुत कुर्बानियों के बाद मिला, देश आजाद हुआ, हमारे लोगों ने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी, कई सालों तक दी। सबका बहुत बड़ा नाम और गांव हमारे को पता है कि क्या कुर्बानी थी वो पता है, लेकिन देश आजाद हुआ लाखों लोगों का जिनका गांव और नाम भी पता नहीं, उनकी कुर्बानी भी थी। देश में भी कुर्बानी से आजाद हुआ और 47 में आजाद हुआ, उसके बाद संविधान सभा बनी, संविधान सभा ने संविधान तैयार किया, 26 जनवरी को संविधान लागू किया। संविधान में जो सोच थी हमारे बुजुर्गों की, जिन्होंने कुर्बानी देकर देश को आजाद कराया था, वो कैसा हमारा देश चाहते थे, कैसा प्रशासन हो, क्या क्या प्राथमिकता हो, संविधान में सब लिखे हुए हैं। सबको सबसे पहले सबको वोट का अधिकार, और सरकारें जो पहले गोली और लाठी से चलती थी, सरकार का निर्माण होगा वोट के अधिकार से, हर व्यक्ति की वोट का अधिक नहीं होगा। ग्राम स्वराज तक लेकर जो गांधी जी का सपना था, आगे तक जो सत्ता स्वराज, स्वराज का मतलब यह है स्वयं जो फैसला करें कहाँ राज। लेकिन आज के समय में संविधान खतरे में है, क्या आपको लगता है कि गणतंत्र सही मायने में है राजनीतिक हालातों को देखते हुए? देखिए, गणतंत्र तो है, जब तक वोट का अधिकार है और वोट से राज बनता है तो यही गणतंत्र है। लेकिन हमारा सबका आज संकल्प लेने का दिवस है कि संविधान से साथ कोई खिलवाड़ ना हो, और जो सपना हमारे संविधान निर्माताओं ने देशी आजादी की लड़ाई लड़ी, जो सपना देखे गए हैं, वो हम सब मिलकर पूरा करें। मौजूदा सरकार संविधान को लेकर जिस तरह से एक के बाद एक अमेंडमेंट कर रही है, तो क्या संविधान खतरे में है, एक के बाद एक संशोधन हो रहे हैं? नहीं, अमेंडमेंट जो देखो होती है, अमेंडमेंट पहले भी हुई है। अमेंडमेंट अगर जनहित के लिए है तो उनका स्वागत है, और अमेंडमेंट अगर स्वयं हित के लिए है तो उनका मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं हालात बने हैं बिहार में, जिस तरह के राजनीतिक हालात बने उसको लेकर क्या कहेंगे आरजेडी और जेडीयू के बीच? जो अभी हाइपोथेटिकल बातें हैं तुम्हारी, क्या होगा? लेकिन इंडिया गठबंधन में जिस तरह से ममता बनर्जी ने किनारा किया है, किसी ने कोई किनारा नहीं किया इंडिया गठबंधन से, किसी ने कहा है सीट एडजस्टमेंट की बात, वो कह रहे 40 की 40 सीटों पर लड़ेंगे, सीट एडजस्टमेंट की बात है, उन्होंने ये नहीं कहा इंडिया गठबंधन में किनारा कर दिया। और साहब मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि 30 लाख रोजगार दिए हैं हमने अपने कार्यकाल में, उन्होंने अपने आप दे दिए होंगे कहीं, हमारे को देखते हैं 30 लाख तो छोड़ो, एक साल में 1000 भी नहीं मिले इस साल, ये कोई बताए कब एडवर्टाइज ही पोस्ट कब निकली, कब इसकी टीम मिली, कब लगे, बल्कि जो जहां बेरोजगारी 2014 में जो 2.9 थी, वो 9 के करीब पहुंच, 9% के करीब पहुंच गई। सर आपने आज हजारे कुल टोटल कर्मचारी कितने 30 लाख है क्या? और सर जिस तरह से अभी राहुल गांधी पे FIR दर्ज हुई है असम में, उसको लेकर असम में जो FIR दर्ज हुई है राहुल गांधी के ऊपर, वो निंदनीय है जिस प्रकार से रोका जा रहा है। यही तो संविधान में प्रावधान था, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, सबको बोलने का अधिकार है, सबको प्रचार करने का अधिकार है, वो निंदनीय है। वही सुरक्षा देने से भी मना कर दिया गया था मुख्यमंत्री, निंदनीय है भाई, सुरक्षा देने से मना कर दिया था, क्या जान का खतरा है? सर आपने अभी अम्बेडकर जी की बात की, लेकिन आपके साथ में ही बिल्कुल एक स्टैचू बना हुआ है अम्बेडकर जी का, वहाँ पर किसी प्रकार की कोई सफाई व्यवस्था नहीं की गई है? क्या हो गया? सफाई व्यवस्था किसी प्रकार की आज नहीं की गई है, जब ये स्वयं सेवा में लगे हुए हैं। सर EVM को लेकर हमेशा एक सवाल उठता है कि EVM हैकिंग हो रही है, क्या ये सही है? EVM को लेकर एक जनता के बीच में एक बदमाशी, ये सवाल बात करी सही है गलत तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जब ऐसे सवाल उठते हैं तो संतुष्टि करनी चाहिए।